अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मलाई खस्ता। मलाई खस्ता बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की जरूरत है वो है मलाई, पीसी हुई चीनी, मैदा और तलने के लिए रिफाइंड ऑयल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी मलाई खस्ता बनाना। मलाई खस्ता बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक मिक्सी का ग्राइंडर ले लिया है, तो अब मैं उसमें अपनी मलाई को डाल दूंगी। मैंने यहाँ बिल्कुल फ्रेश मलाई यूज की है, तो फ्रेंड्स आप भी ट्राई करें कि आप बिल्कुल यहाँ फ्रेश मलाई यूज करें जिससे आपके रेसिपी का फ्लेवर एकदम खुल के आए और बहुत ज़्यादा बढ़िया लगे। तो चलिए अब हम इसे थोड़ी देर के लिए ग्राइंड करेंगे। तो ये देखिए, मैंने अपनी मलाई को एकदम हल्का सा ग्राइंड किया है, आपको इसे ज़्यादा ग्राइंड नहीं करना है नहीं तो इसका मक्खन ऊपर आ जाएगा। तो चलिए इसे एक साइड में डाल देते हैं और अपना दूसरा प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक बर्तन को ले लिया है, अब मैं इसमें अपने मैदे को डाल देती हूँ। यहाँ मैं अप्रॉक्स 100 से 150 ग्राम मैदे का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से मैदा ले सकते हैं, कम या ज़्यादा, आपको जितने खस्ते तैयार करने हैं आप उस हिसाब से मैदे को लें। यहाँ पर हम डालेंगे 1 टीस्पून चीनी ताकि हमारा खस्ता हल्का सा मीठा लगे, और 2 टीस्पून रिफाइंड ऑयल। अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं और इसका आटा गूंद लेते हैं। हमें इसका एकदम कड़ा आटा गूंदना है, तो हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी और इसे अच्छी तरह से गूंद लेंगे। मलाई खस्ते का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया होता है फ्रेंड। ये रेसिपी बहुत ही सिंपल है लेकिन खाने में लाजवाब लगती है। इसे आप ज़रूर अपने घर पे ट्राई करें और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मलाई खस्ता सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट से तैयार हो जाती है और इसे बनाने में भी ज़्यादा वक्त नहीं लगता, बस 15 से 20 मिनट में ये रेडी हो जाती है। तो इसे बनाने में कोई झंझट नहीं है फ्रेंड्स, आप ज़रूर इसे ट्राई करें। बस 10 से 15 मिनट निकालें और मलाई खस्ता तैयार कर लें। आप देख सकते हैं कि हमने अपने आटे को अच्छी तरह से हार्ड गूंद लिया है, तो अब हम इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, फिर हम इसकी खस्ता तैयार कर लेंगे। दस मिनट हो चुके हैं, तो अब हम अपने मैदों से खस्ता कचौड़ियों को बेल लेते हैं। इसके लिए हम मैदे की छोटी छोटी लोइयां बना लेंगे। ये देखिए, हमने इसे छोटे छोटे साइजों में बना लिया है, तो अब हम इसे बेल लेते हैं। हमें इसे बिल्कुल गोला गोला बेलना है और थोड़ा सा पतला बेलना है ताकि ये क्रंची हो। ये देखिए, हमने इस पूरी को बेल लिया है। अब हम फोक की सहायता से इसमें डॉट डॉट कर देंगे ताकि जब हम इन पूरियों को बेलें तो ये फूल कर फटे नहीं, इसलिए हमने इसमें डॉट कर दिया है। अब इसी तरह से हम अपनी सारी पूरियों को बेल लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, और इसमें भी डॉट कर देंगे। अब देख सकते हैं कि हमने अपनी कुछ खास्ता पूरियों को बेल लिया है, तो चलिए पहले इन्हें फ्राई कर लेते हैं, उसके बाद बाकी पूरियों को हम बेलेंगे। पूरियों को तलने के लिए मैंने पहले से ही रिफाइंड ऑयल गर्म होने के लिए चढ़ा दिया था, तो अब धीरे धीरे हम इसमें अपनी खस्ता पूरियों को डालते हैं। ये देखिए, हमने अपनी पूरी को डाल दिया है। अब हमें इसे तब तक तलना है तब तक ही ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। गोल्डन ब्राउन होने के बाद ये बहुत ही खूबसूरत देखने में लगेगा। आप देख सकते हैं फ्रेंड कि हमारी खस्ता पूरियां गोल्डन ब्राउन हो चुकी हैं।
और इसका कलर बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो अब हम इसे धीरे धीरे करके एक प्लेट में निकाल लेते हैं और अपनी बाकी पूरियों को भी इसी तरह से तल लेते हैं। सो फ्रेंड्स, हम अपने सभी खस्ता पूरियों को तल लिया है, तो चलिए अब हम इसकी प्लेटिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है ग्राइंड किए हुए मलाई को। अब हम इसमें अपनी बची हुई चीनी को डाल देते हैं और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। हमने अपनी मलाई में चीनी को मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें से थोड़ी सी मलाई इस कटोरे में डाल देते हैं। और इसके ऊपर डालेंगे हम अपने कटे हुए काजू और पिस्ता को। इसे एक साइड में रख देंगे। बाकी बची हुई मलाई को हम इस सर्विंग बाउल में डाल लेते हैं। अब इस मलाई में हम अपनी कुछ खस्ता पूरियों को डिप कर देंगे इस तरह से। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि आप इसे दोनों तरीके से खा सकते हैं। आप इसे इस तरह से डिप करके भी खा सकते हैं और फिर आप इसमें ऐसे डिप करके भी इसको खा सकते हैं, इसलिए मैंने दोनों तरीके से इसे सर्व किया है। तो अब हम अपनी बाकी बची हुई पूरियों को इसमें डाल देते हैं। और इसके साथ सर्व करेंगे हम इस मलाई को। सो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी जरूर बताएं। अपने कमेंट मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर डालें। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत जरूरी है। सो फ्रेंड्स, टेक केयर एंड गुड बाय।